पहाड़ों में बसे बहुत ही सुंदर गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली का काम चल रहा था। जगह बहुत बड़ी थी, इसलिए एक साथ कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सूरज भी जल्दी ही ढल जाता था। कोई भी मजदूर सूरज ढलने के बाद वहां नहीं ठहरता था, क्योंकि जब भी कोई सूरज ढलने के बाद वहां पर रुककर काम करने की कोशिश करता था तो उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। कभी उन्हें कोई परछाई वहां से भागती हुई नजर आती थी, तो कभी किसी औरत के जोरों के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। कोई रूह तो थी वहां जो नहीं चाहती थी कि ये हवेली बने। हवेली बनने के दौरान यहाँ कुछ मजदूरों की जान भी गई। हवेली का निर्माण पूरा होते ही गरिमा अपने पति अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ उस हवेली में शिफ्ट हो गई। नए घर में पहला दिन होने की वजह से गरिमा को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर ही बैठकर बुक रीड करने लगी कि तभी उसकी बेटी आराध्या उसके पास आई। मम्मा, मम्मा मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। गरिमा ने टेबल पर रखे जग को उठाकर देखा तो उसमें पानी नहीं था। वो किचन से पानी लाकर अपने रूम में आई तो आराध्या वहां नहीं थी। वो आराध्या को पानी देने के लिए रूम में गई तो आराध्या गहरी नींद में सो रही थी। उसे लगा शायद थकान होने की वजह से आराध्या वापस आकर सो गई है, तो उसने उसे जगाया नहीं। और वो जैसे ही वापस अपने कमरे में आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि आराध्या वहीं खड़ी थी। थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए पानी ले आई। आराध्या को ऐसे अपने सामने देखकर गरिमा बुरी तरह से डर गई। अगर आराध्या अपने रूम में सो रही थी तो उसके सामने खड़ी बच्ची कौन थी? गरिमा ने डरते हुए उससे पूछा, आराध्या बेटा, तुम तो अभी अपने कमरे में सोई हुई थी ना, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? नहीं मम्मा, मैं तो अपने रूम में गई ही नहीं। इतना कहकर वो गरिमा को देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराई और गरिमा के हाथ में ग्लास का पानी गहरे लाल खून में बदल गया। डर के मारे गरिमा के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया और तभी वो बच्ची भी उसकी आंखों से ओझल हो गई कि तभी ग्लास टूटने की आवाज से अभिषेक की आंख खुल गई। क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी रात को ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, बस वो पानी पी रही थी तो ग्लास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गरिमा सब कुछ अपना वहम समझकर फिर से सोने के लिए लेटी कि तभी फिर से उसे अपने सामने आराध्या नजर आने लगी, जो एक टक उसे देखे जा रही थी और बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। डर के मारे गरिमा का शरीर पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने डरते सहमे अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में एक आवाज बुदबुदाई। मम्मा मम्मा, मुझे लोरी सुनाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। उस आवाज को सुनकर गरिमा बुरी तरह से सहम गई। उसने डरते कांपते अपनी आंखें खोली तो उसके बगल में कोई नहीं था। वो भगवान के नाम का जाप करने लगी और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। उसने सुबह उठकर देखा तो आराध्या की तबीयत अचानक खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया और कुछ दवाइयां दी, जिसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन अब वो पहले जैसी चुलबुली आराध्या नहीं थी। अब ना तो वो ठीक से किसी से बात कर रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। वो बस पूरे दिन अकेली अपने कमरे में बैठी रहती थी। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने कई बार उसे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। कभी कभी तो वो बहुत खुश होती और कभी अचानक से सहम जाती। एक रोज वो गरिमा के साथ बैठी अपनी बुक पढ़ रही थी कि अचानक वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे वो किसी गहरे दर्द से तड़प रही हो। क्या हुआ आराध्या बेटा, तुम इस तरह से चीख क्यों रही हो? मम्मा मुझे बचाओ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा मम्मा।
आराध्या ये कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग सी शैतानी हंसी थी। गरिमा उसे इस हालत में देखकर डर से कांप उठी कि तभी देखते ही देखते आराध्या का शरीर उसके सामने बुरी तरह जलने लगा। गरिमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे गरिमा जोर से चिल्लाने लगी कि तभी उसकी आंखों के सामने जल रही उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई और पीछे से उसे आराध्या की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी, मामा, मामा। आराध्या को सही सलामत देखकर गरिमा की जान में जान आई कि तभी आराध्या अपने हाथ में एक फोटो फ्रेम लिए गरिमा के पास आई। मम्मा, ये आंटी और ये छोटी लड़की कौन है? देखो ना, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। गरिमा ने आराध्या के हाथ से वो फोटो ली और उस फोटो को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शायद उसे कुछ ऐसा याद आ गया था जो बहुत ही दर्दनाक था, जिसकी वजह से आज उसके साथ ये सब हादसे हो रहे थे। बात आज से कुछ साल पहले की थी, जब इस जमीन पर कोई हवेली नहीं बल्कि एक परिवार रहता था। उस परिवार में बस दो लोग थे, एक माँ और उसकी छोटी सी प्यारी बेटी। उसके पिता का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। वो घर उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसी दौरान गरिमा अपने पिता के साथ यहां से गुजरी। गरिमा के पिता एक बिल्डर थे। गरिमा ने जिद पकड़ ली कि उसे किसी भी कीमत पर यह घर चाहिए। वो उस घर को तोड़कर वहां पर एक हवेली बनवाना चाहती थी। गरिमा और उसके पिता ने उस औरत से उस घर को खरीदने की बात रखी तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो पुश्तैनी अमीर थी और वो घर उसके पति की आखिरी निशानी था, तो वो किसी भी कीमत पर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थी। गरिमा बचपन से ही अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। उसने किसी भी कीमत पर इस घर को हासिल करने के लिए अपने मन में मानो कोई जिद बांध ली थी। वो बचपन से ही ऐसी थी कि अगर उसे एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे पाकर ही दम लेती थी। उसके पिता ने उससे कई बार ये जिद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। गरिमा ने अपनी जिद की वजह से उन दोनों लोगों को हमेशा के लिए गायब करा दिया और उस घर को आग लगा दी और फिर नीलामी में उस जमीन को खरीद कर अपने लिए वहां एक बड़ी हवेली बनवाई। गरिमा की आंखों के सामने आज उसके काले कर्म आ गए थे। उसने नजर उठाकर देखा तो बाहर गार्डन में माली काका के जोरों से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माली काका के चिल्लाने की आवाज सुनकर गरिमा का मन अचानक बेचैन हो गया और वो घबराई हुई भागकर गार्डन की तरफ गई तो उसकी नजरों के सामने उसकी बेटी का बेजान शरीर पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, मानो किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया हो। अपनी बेटी को ऐसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया कि तभी उसके फोन पर रिंग हुई। हेलो, क्या आप मिस्टर अभिषेक की वाइफ मिसेस गरिमा बोल रही हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर जनरल। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक कार एक्सीडेंट में आपके पति की मौत हो गई है। कुछ ही देर में गरिमा की पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसकी बेटी और पति दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके किए की सजा आज उसकी मासूम बच्ची और पति को भुगतनी पड़ी थी। अपनी आंखों के सामने गरिमा को अब वही माँ बेटी नजर आ रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। देखते ही देखते उस पूरी हवेली में आग लग गई और गरिमा का शरीर भी उसी आग में बुरी तरह से जलने लगा। आज गरिमा को भी वही दर्द महसूस हो रहा था जो उस दिन उस औरत और उसकी मासूम बच्ची ने झेला था। उस असहनीय दर्द के मारे गरिमा बुरी तरह से चिल्ला रही थी और देखते ही देखते कुछ ही देर उसकी चीखें बंद हो गई और उस आग में सब कुछ शांत हो गया। सालों से अपने इंसाफ के लिए तड़प रही उन दो आत्माओं को आज मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन गरिमा के गुनाहों की सजा
चार मासूमों को भुगतनी पड़ी थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।